तो ये जो आप देख रहे हैं इसका नया हेडर यूनिट है, और इसमें एक फिल्टर लगा हुआ आता है, और इसका ऐसे सॉकेट और ये हेडर यूनिट है। इसको ऐसे डालना है अंदर, सॉकेट का खास ध्यान रखना है। तो भाई आज हम जाने वाले हैं हेडर यूनिट डालने एक गाड़ी में। तो ये है हमारा छोटा सा गरीब खाना, और ये रहा अपना हेडर यूनिट। ये हेडर यूनिट आप देखोगे तो इसकी कीमत है 4600। ये डालने देना है। अब ये जो गाड़ी है इसमें डिफ्रेशन खोला है, और डिफ्रेशन आपको बताऊं तो ये रहा डिफ्रेशन। डिफ्रेशन भाई बहुत बुरी हालत थी, इसमें अंदर हमने साफ करके रखा है, वरना अंदर बहुत पार्टिकल इसके टूटे हुए थे। ये इसका बूस्टर, और ये देखो आगे आप, तो ये सिंगल डिप्रेशन है, पीछे है ही नहीं, ये सिंगल डिप्रेशन वाला है। ये इसके एक्सल है। ये डिप्रेशन हम पूरा बनाएंगे, पर इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी हमें जाना है 60वां हेडर यूनिट डालने। शायद हेडर यूनिट का इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए हेडर यूनिट डालने जाना है। ये महिंद्रा की VS4 गाड़ी। ये डिप्रेशन का कुछ सामान है, ये देखो यहाँ पे टूटा हुआ है डिप्रेशन, यहाँ पे ये एक टूटा हुआ है, और ये पूरी असेंबली आती है साथ में, इसलिए दोनों ही चीज़ हम चेंज करेंगे। और ये इसकी बेयरिंग, ये बेयरिंग्स है सब, और ये बेबी चेक कर, ये पता नहीं क्यों रख छोड़ा है यहाँ पे, ये बेबी चक्कर है। और इसे भी हम पूरा फिटिंग करके अलग से वीडियो इसका बना दूंगा। तो भाई हम आ गए कोरी पे 60वां। ये कोरी में अभी तक गाड़ी आई नहीं है, गाड़ी ऊपर है, गाड़ी जैसे ही नीचे आती है हम काम शुरू करते हैं। तो ये है अपनी कोरी, और ये आ चुके हम गाड़ी के पास। गाड़ी में देखते हैं क्या घोड़े हैं। एक कोड आ रहा है U00073, ठीक है, और 1500 ओवर सर्विस का आ रहा है, और अपना एडजू का बार नहीं बता रहा, और ऊपर एक लाइट आ रही है जो कि ये वाली है। गाड़ी स्टार्ट कर दें। बैटरी डाउन है। तो भाई पहले चाबी बंद करते हैं। और ये है इसका हेडर यूनिट, और ये खोलना है और नया हेडर यूनिट फिट करना है। तो चले फटाफट से मैं फिटिंग कर देता हूँ हेडर यूनिट। सबसे पहले आपको ये दो पाइपें खोलनी है जो इसके अंदर लगी हुई है। ये दो पाइप खोलने के बाद सॉकेट खोलना है, और इसको घुमा के बाहर निकालना है, और नया फिटिंग करना। तो ये जो आप देख रहे हैं इसका नया हेडर यूनिट है, और इसमें एक फिल्टर लगा हुआ आता है, और इसका ऐसे सॉकेट और ये हेडर यूनिट है। इसको ऐसे डालना है अंदर, सॉकेट का खास ध्यान रखना है, इसको ऐसे लगा के जैसे इसको घुमा देना है, और ये इधर दो साइड में इसकी पाइप लगा देना है। ये सॉकेट इसमें लगा देना। तो हमने इसे फिटिंग तो कर दिया है, अब इसकी सिर्फ टेस्टिंग की बारी है। तो फटाफट से चाबी ऑन करके देखते हैं। तो ये देखो ये चाबी ऑन, और देखते हैं कि कोड गया है या नहीं। ओके, तो एडब्यू के बाहर तो दिखाने लग चुके हैं, और ये जो यहाँ पे जो लैंप आया था वो भी चला गया है, और चेक लैंप भी अभी चला जाएगा अगर हम गाड़ी स्टार्ट करें तो। पर इसकी बैटरी लो है इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो हम पहले लैपटॉप कनेक्ट कर देते हैं, और इसके खोलना है। यहाँ पर ये वाला जो सॉकेट है इसमें हमें
अपना जो गरुड़ा का ये जो सॉकेट होता है यहाँ पे लगा देना है। अब जैसे ही लगाओगे इसमें एक पावर की लाइट आती है, पावर की लाइट ऑन हो जाएगी। आप जैसे ही लैपटॉप में लगाओगे तो यूएसबी लाइट ऑन हो जाएगी, और अगर आप सॉफ्टवेयर कनेक्ट करोगे तो लिंक स्टेटस बताने लग जाएगा, यानी इसकी भी लाइट ऑन हो जाएगी। और इसमें एक और सॉकेट आता है जो कि वाइट कलर का होता है, जो यहाँ पे आप अंदर देख सकते हो यहाँ पे है, वो सिर्फ फ्लैशिंग करने के लिए है। तो सबसे पहले हम लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लैपटॉप कनेक्ट कर लूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हो ये मैंने लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे अभी यूएसबी की लाइट नहीं आई है, तो मैंने यूएसबी प्रॉपर कनेक्ट नहीं किया। जैसे ही मैं अंदर यूएसबी डालूँगा तो यहाँ पे यूएसबी की लाइट जलनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी लिंक स्टेटस नहीं आई है लाइट, वो ब्लिंक करेगी। तो मैं इसको पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, और मैं जैसे ही इसको कनेक्ट करता हूँ मैं डीटीसी कोड पे जाता हूँ। यहाँ पे कोड देखना है तो कोड एक कोड है जो कि कैन लाइन के पर्पस है, और ये जो है फील्ड में है, यानी इसका अभी कोई मतलब नहीं है कि ये पहले कोड था, और ये कोड हेडर यूनिट की वजह से आया था। और आप यहाँ पे देखोगे तो लिंक स्टेटस की लाइट भी ब्लिंक करना स्टार्ट हो गई, यानी हमारा प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है टूल। ये टूल का वर्ज़न आप देख सकते हैं 2.4 है वर्ज़न, ये वर्ज़न आपको देख कर लगाना है। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसका प्रेशर दिखाएगा, ये प्रेशर भी आपको देख लेना है। ये कूलिंग मोड पे 470 आसपास होता है, और अपना हीटिंग मोड जो होता है उसमें ये 550 के आसपास, ये 525 के आसपास होता है। और अगर आपको देखना है हेडर यूनिट कम्प्लीट है या नहीं, तो आप अगर LID1 में जाओगे, LID1 में जाने के बाद अगर आप DEF लेवल में जाओ, ये रहा DEF लेवल, तो यहाँ पे 2.5 वोल्टेज दिखा रहा है, इसका लेवल नहीं दिखा रहा है। तो इसका जो टेम्परेचर है DEF लेवल का, ये कम्प्लीट दिखा रहा है 33 डिग्री, यानी हमारा हेडर यूनिट काम कर रहा है। और SCR टेम्परेचर भी यहाँ पे आप देख सकते हो, SCR टेम्परेचर भी इसका कम्प्लीट ही दिखा रहा है। और अगर हम एडब्यू का लेवल देखना चाहते हो, तो अगर गाड़ी के RPM देखना चाहते हो तो यहाँ पे RPM दिखाएगी, और एडब्यू की जो मोटर है उसके RPM यहाँ दिखाएगी, पंप ड्यूटी साइकिल भी यहाँ दिखाएगा परसेंटेज में, और यहाँ मोटर कौन सी घूम रही है, रिवर्स घूम रही है या फॉरवर्ड, वो भी यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो गाड़ी स्टार्ट करके पहले तो देख लेते हैं ये प्रेशर 550 तक जा रहा है या नहीं, पर हमारी बैटरी डाउन है इसलिए मैं चालू करके आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर ऐसे अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो TT स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो वीडियो होने वाला है वो प्रैक्टिकल होने वाला है इसलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।